गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, उसके बाद क्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ा। अब इसी क्रम में एक टॉपिक आता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? देखें, एबनॉर्मल मतलब होता है अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कुछ विलेय पदार्थ ऐसे हैं जिनको अगर घोल दिया जाए तो उनका जो अणुसंख्य गुणधर्म यानी परासरण दाब हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, क्वथनांक उन्नयन हो गया, ये सब घटना बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हम एक अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसका जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा कुछ विलेय पदार्थ के कारण होने लगता है। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से विलेय पदार्थ हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, या कह सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़े, उनमें कौन कौन से विलेय पदार्थ हैं जो इसके मान को घटा या बढ़ा देते हैं। तो इसमें देखें, एक शब्द होता है प्रेक्षित मान, इसे हम प्रयोगात्मक मान भी कह सकते हैं, प्रयोगात्मक मान। दूसरा है परिकलित मान। यह जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, उस सूत्र के द्वारा जो वैल्यू, जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट की गई है, गणना की गई है, उसको हम परिकलित मान के रूप में जानते हैं, प्रेक्षित मान। अब अगर कोई विलयन लिया गया और उस विलयन में हम विभिन्न प्रकार के जो पार्टिकल हैं या विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके उनकी वैल्यू की गणना करें तो ऐसे मान को हम प्रायोगात्मक मान कहते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कुछ विलेय पदार्थ जो होते हैं, वह कुछ विलेय पदार्थ, सारे नहीं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रेक्षित या प्रयोगात्मक मान है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का और परिकलित मान, ये दोनों चाहे हम सूत्र से निकालें और चाहे हम प्रयोग करके उनकी गणना करें तो दोनों का मान समान आता था। लेकिन कुछ विलेय पदार्थ ऐसे हो जाते हैं जो जिसमें प्रायोगात्मक मान है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, और किससे, सूत्र के मान से। जो सूत्र हमारा है, सूत्र में रख करके अगर उसकी गणना करें तो सूत्र के मान में जो सूत्र का जो वैल्यू आएगा या परिकलित मान जो आएगा वह प्रयोगात्मक मान से कम या ज़्यादा हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, उसके लिए प्रमुख रूप से दो कारण है। एक है कि अगर हमारा जो विलेय पदार्थ है वह वियोजित हो जाए, यानी जो हमारा विलेय पदार्थ है उस विलेय पदार्थ में अगर वियोजन हो जाए, जैसे NaCl को अगर हम पानी में घोलें तो इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा और बनाएगा Na+ और Cl-। अब विलयन में एक अणु, जैसे एक आयन है तो एक अणु की तरह व्यवहार करेगा, तो एक अणु ये और एक अणु ये, तो विलेय के अणुओं की संख्या, अब देखो यहाँ पर NaCl एक अणु था लेकिन जब ये विलयन में गया तो इसके कारण इसके दो अणु हो गए, कितने अणु हो गए, दो अणु हो गए। अब अगर हम सूत्र के हिसाब से इसकी वैल्यू गणना करें तो हम मान करके करेंगे कि NaCl एक अणु है, लेकिन अगर प्रयोग के द्वारा निकालेंगे, प्रयोगात्मक रूप से निकालेंगे तो वहाँ पर तो यह दो अणु के रूप में है, इसलिए इसका जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा वो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा देखें, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, अब इसको पानी में अगर घोला जाए
तो यहाँ मिलेगा Ca2+ + 2Cl-। अब यहाँ पर हम ये मान करके भाई सूत्र के हिसाब से तो हम मानेंगे CaCl2 है तो एक अणु हो गया, लेकिन जब ये पानी में जाएगा विलयन में जाएगा तो विलयन में जाने के पश्चात ये डिसोसिएट हो जाएगा, इसका वियोजन हो जाएगा, तब यहाँ पर इसके तीन आयन मिलेंगे जो तीन अणु के बराबर होंगे। इसलिए इसका जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसकी वैल्यू जो हमारा परिकलित मान है उस परिकलित मान से इसकी जो वैल्यू प्रयोगात्मक मान की होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा बात है वो है संगुणन एसोसिएशन इसे कहेंगे, ये डिसोसिएशन है और ये एसोसिएशन। संगुणन का मतलब दो या दो से अधिक अणु आपस में किसी भी आकर्षण के द्वारा जुड़ जाए। अगर कोई ऐसा पदार्थ हो, कोई विलेय पदार्थ हो और वह विलयन में जाने के पश्चात डाइमर या ट्राइमर या टेट्रामर के रूप में हो जाए, जैसे बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, अगर ये पानी में जाता है तो ये डाइमर हो जाता है। डाइमर का मतलब इसके जो दो अणु हैं वह आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? जैसे है C6H5C डबल बॉन्ड O और O और H हो गया। इसी तरह से यहाँ पर C H C इधर C6H5 C डबल बॉन्ड O और H इस तरह से। तो यहाँ देखेंगे कि चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा, यहाँ ये भी एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ करके डाइमर रूप धारण कर लेते हैं। तो जब डाइमर का रूप धारण कर लेंगे तो यानी ये जो दो अणु हैं जब विलयन में जाएंगे तो एक अणु के रूप में डाइमर हो गए, तो इसका दो अणु एक अणु के रूप में हो जाएगा, अर्थात यहाँ संगुणन हो रहा है। और जब संगुणन हो जाता है तब जो परिकलित मान है, हम मान करके क्या कर रहे हैं कि एक अणु है लेकिन यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा भाई, डाइमर हो गया तो हाफ हो जाएगा, या कह सकते हैं कि इसका दो अणु बराबर इसके एक अणु के, तो अणुओं की संख्या कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, इसलिए जो परिकलित मान होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और जो हमारा प्रयोगात्मक मान है वो घट जाएगा। तो अगर देखा जाए तो एबनॉर्मल बिहेवियर उत्पन्न होता है प्रमुख रूप से दो कारण से, एक तो डिसोसिएशन और दूसरा है एसोसिएशन। अगर कोई सल्यूट सॉल्वेंट में डिसोसिएट होता है तो इसके कारण एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा होगी, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो इसके कारण भी एबनॉर्मल बिहेवियर पैदा होगी। तो यहाँ पर ये इसमें जो है एक प्रमुख कारक आता है, इसी में महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वांट हाफ गुणांक। इसे सिंबलाइज किया जाता है स्मॉल आई से। वांट हाफ गुणांक है क्या? ये वांट हाफ गुणांक बराबर होता है प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान। ये प्रेक्षित मान, प्रेक्षित जो प्रयोग करेंगे किसी भी विलयन को लेकर के प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने के पश्चात जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम प्रेक्षित मान के रूप में जानेंगे। अब परिकलित, हम सूत्र से हमको डाटा दिया हो किसी भी चीज़ का, किसी भी विलयन के सारे डाटा मौजूद हो, पता हो, और सूत्र के द्वारा उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें, गणना करें, तो ऐसे मान को हम परिकलित मान के रूप में जानते हैं। अब देखें होता क्या है कि अगर नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है तो जो आई है ये बराबर एक के होता है, मतलब जितना प्रेक्षित मान होगा उतना ही परिकलित मान होगा। लेकिन अगर कहीं आई का जो मान है कम हो गया या आई का मान जो है वो ज़्यादा हो गया एक से, तब उसके लिए हम मानते हैं कि यहाँ पर जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एबनॉर्मल बिहेवियर प्रस्तुत कर रही है। क्या प्रस्तुत कर रही है? एबनॉर्मल बिहेवियर प्रस्तुत कर रही है। अब परिकलित देखते हैं कि ये वांट हाफ गुणांक क्या है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इंटरमीडिएट में कि वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं।
देखें बस सूत्र के हिसाब से ही, सूत्र हमको पता है तो इसकी परिभाषा को हम बता सकते हैं कि किसी भी विलयन में जो अणुसंख्य गुणधर्म है उस अणुसंख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान और परिकलित मान के अनुपात को हम वांटहाफ गुणांक कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी भी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान और परिकलित मान के अनुपात को वांटहाफ गुणांक कहा जाता है। अब यहाँ हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था डिसोसिएशन वियोजन। तो वियोजन के केस में क्या होगा, वियोजन के केस में सिंपल सा है, यहाँ पर हम आई की वैल्यू जितने भी ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जैसे हो गया पीवी बराबर एनआरटी, तो यहाँ पर कैलकुलेशन मतलब परिकलित मान को भी और प्रेक्षित मान को भी दोनों को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर वांटहाफ गुणांक जोड़ देते हैं, जैसे हो गया पीवी बराबर आई एन आर टी, या यहाँ यस भी कर सकते हैं एस आर टी या इसको लिखा जा सकता है पी बराबर आई एन एस टी अपॉन वी, यानी यहाँ पर आई जोड़ दिया गया, या क्वथनांक में उन्नयन के लिए जो सूत्र लिखा गया था उस सूत्र के आगे आई शब्द प्रयोग कर देते हैं, या और भी कई हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, तो ये सारी चीज़ें इस सूत्र के लिए अगर हम नया सूत्र बना लेते हैं, लेकिन तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जब एब नॉर्मल बिहेवियर प्रस्तुत कर रहा हो, तो क्या कर रहा हो, एब नॉर्मल बिहेवियर प्रस्तुत कर रहा हो, यानी जो हमारा सोल्यूट है वह अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है या कहीं विलयन में जा करके एसोसिएट हो रहा है तो उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग कर दिया जाता है। अब देख लेते हैं, मान लीजिए कि डिसोसिएशन हो तो डिसोसिएशन के लिए हम यहाँ पर एक सूत्र है, जैसे मान लीजिए पी है तो पी बराबर एन एस टी अपान वी और यहाँ 1 माइनस अल्फा अपान एन, इतना सा टर्म यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ जो अल्फा है यह वियोजन की मात्रा है और एन संगुणन गुणांक हो गया, यानी दो डाइमर हो रहा है तो दो लिखेंगे, ट्राइमर हो रहा है तो यहाँ एन की वैल्यू 3 रखेंगे, अल्फा उसका वियोजन कितना हो रहा है मतलब उसका एसोसिएशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर किसी भी कोई भी अगर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें एबनॉर्मलिटी है, उस एबनॉर्मलिटी की गणना इन सूत्रों के हिसाब से उसमें थोड़ा सा बस यही टर्म हर में, जैसे हम इसमें देखें डेल्टा टी वी इक्वल टू मोललता, तो मोललता के लिए यहाँ पर गुणे 1 माइनस अल्फा अपान एन कर देंगे, इतना सा टर्म बढ़ा देंगे तब जाकर के प्रेक्षित मान और परिकलित मान दोनों बराबर हो जाएंगे, और हमको इतना करने के पश्चात जो प्रेक्षित मान है वह परिकलित मान के बराबर हो जाएगा, और नहीं तो समस्या होगी कि मान लीजिए कि अगर कहीं डिसोसिएशन कर रहा है और हम गणना कर रहे हैं तो गणना करने के पश्चात जो है वहाँ पर सवाल निश्चित तौर पर गलत हो सकता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, शेष कल, थैंक्स।